मेरे बच्चे ना वो नहीं खाते क्या उसको कहते हैं शलजम, तो इसलिए मैं इसमें दाल डाल दूंगी। तो ऐसे गोश्त में मैंने डिवाइड कर दिया, और इतने में मैं शलजम डाल दूंगी। तो अब मैंने गोश्त भून लिया है, और मैं इसमें ना ये चने की दाल मैंने वॉश की थी, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो हलीम का अच्छा बन जाएगा। ये देखे मैं शलजम लाई थी बाजार से, अच्छे मिल गए हैं, प्यारे हैं, फ्रेश फ्रेश जर्मनी में वैसे तो नहीं मिलते जैसे पाकिस्तान में होते हैं, चलें इतने बुरे भी नहीं होते, टेस्टी बनते हैं। तो ना मैं शलजम गोश्त बना रही हूँ, अब मैं इसको काटूँगी, चॉप करूँगी, फिर मैं उसमें ना गोश्त में डाल दूँगी चॉप्ड करके। हाँ जी, मैंने ना प्याज और जो क्यूकम्बर होता है, खीरा और पुदीना, टमाटर, उसकी चटनी बनाने लगी। इसमें मैं योगर्ट ऐड करूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या बनाया। ये देखेंगे दाल गोश्त, चने की दाल और गोश्त, चने और माश की दाल, और यहाँ पर मैंने बना रही हूँ, अभी पता नहीं है, ये शलजम बना रही हूँ, शलजम गोश्त जिसमें पानी है उसका पानी मैं ड्राई करूँगी तो ये भी रेडी हो जाएगा। दाल गोश्त बन गया, उसको भी सर्व कर। मुझे तो बहुत भूख लगी, मैं तो खाने लगी, बड़ी यम्मी बनी है दाल गोश्त। चलिए जी, अपनी दुआओं में याद रखें, ये मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रायते के लिए मैंने चटनी डाल दी है, टमाटर की और पुदीना और धनिया की। ये देखें जी, मेरे दाल गोश्त और रायते की फ़ाइनल लुक। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इसमें देखें गर्मा गर्म धुएँ निकल रहे हैं। चलिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं तो खाने लगी हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।